एक जंगल में गाय और भैंसों का झुंड साथ रहा करते थे। वो जंगल में चाहे जहाँ उनका मन हो वहाँ घूमते, चाहे जहाँ उनका मन हो वहाँ घास खाते। एक दिन उस जंगल में एक शेर ने घुसपैठ कर दी और झुंड में से एक एक करके गाय और भैंसों को मारने लगा। शेर के डर से झुंड का मुखिया सभी लोगों के साथ जंगल छोड़ने का फैसला किया और एक दिन सभी लोगों के साथ जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चले गए। दूसरे जंगल में उनको एक ऊँट की फैमिली मिली। दरअसल ये जंगल का एरिया इन ऊँटों का ही था। तो गायों का मुखिया जाके ऊँट से कहा, हम बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमको किसी कारणवश अपना जंगल छोड़ना पड़ा है, क्या आप हमारे झुंड को अपने जंगल में आश्रय दे सकते हैं? ऊँट की फैमिली ने गायों के मुखिया की पूरी बात सुनने के बाद बोली, कोई बात नहीं, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद गायों का झुंड और ऊँट की फैमिली दोनों साथ मिलकर रहने लगे। हर रोज की तरह सारे जानवर भोजन की तलाश में जा रहे थे कि देखे जंगल में कुछ लोग एक अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब लोग गाय और ऊँट को आते देखा तो अंडे को छोड़कर भाग गए। जब गाय और ऊँट अंडे के पास जाकर देखा तो अंडा टूट गया था और अचानक अंडे से एक बच्चा निकला और गाय को पहली बार देखकर अपनी माँ समझ बैठा और उनके साथ चलने लगा। ऊँट और गाय समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये किस जानवर का बच्चा है। दरअसल ये एक ग्रीन ड्रैगन का बच्चा था। अब छोटू ड्रैगन जहाँ जहाँ ऊँट और गाय का झुंड खाने की तलाश में जाता वो भी साथ साथ जाता। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक इस जंगल में भी कुछ टाइगर्स ने घुसपैठ कर दी और एक दिन गाय और ऊँट को घेर लिए। टाइगर के डर से झुंड में भगदड़ मच गई, लेकिन छोटू ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्यों भाग रहे हैं। सभी जानवर भाग गए लेकिन दो गाय और एक ऊँट छोटू को छोड़कर नहीं गए। छोटू ड्रैगन बिना डरे टाइगर की ओर जा रहा था। इस पर टाइगर कहता है, आज हमको बहुत दिनों बाद इतना शिकार एक साथ मिला है, आज हम पेट भर कर शिकार करेंगे और लगता है सबसे पहले इस अजीब से प्राणी को ही खाएंगे। ये कहकर जैसे ही टाइगर छोटू ड्रैगन की ओर बढ़ता है कि छोटू के बचाव में गाय आ जाती, लेकिन टाइगर गाय के ऊपर हमला करके उसको जख्मी कर देता है और गाय वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और टाइगर छोटू ड्रैगन की ओर बढ़ने लगते हैं। छोटू भी डर के मारे पीछे जाने लगता है कि अचानक वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। दरअसल ग्रीन ड्रैगन छोटू की माँ थी। छोटू ड्रैगन की माँ टाइगर को धमकाते हुए बोली, दूर रहना मेरे बच्चे से। टाइगर इतना बड़ा जानवर देखकर घबरा गए और डर के मारे वहाँ से सभी लोग भाग गए। जब गाय ने छोटू की माँ को देखा तो छोटू को उसकी माँ को सौंप दी। छोटू की माँ भी लोगों को छोटू ड्रैगन को बचाने के लिए शुक्रिया बोली और छोटू को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चली गई।